वेलकम टू यूनिक माइंड्स। आइए डिस्कस करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ में के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। फर्स्ट न्यूज़ है, DRDO ने UV ब्लास्टर लॉन्च किया है जो कि एक डिसइन्फेक्शन टावर है और यह सैनिटाइजेशन का काम करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक समिट ज्वाइन किया है जिसका नाम है नाम समिट। इसका फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइन मूवमेंट। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह पहली बार ज्वाइन किया है नाम जो है 120 कंट्री का ग्रुप है और इसमें लगभग गरीब देश ही हैं और अफ्रीकन कंट्री से 53, 39 फ्रॉम एशिया, 26 लैटिन अमेरिका और 2 यूरोप की कंट्रीज हैं। जो 2 यूरोपियन कंट्री है उसका नाम है बेलारूस एंड अजरबैजान। नाम बना था 1961 में इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया के सहयोग से। नेक्स्ट न्यूज़ है, त्रिपुरा में एक कम्युनिटी बसाई जानी थी जिसका नाम है ब्रू कम्युनिटी और यह मिजोरम से माइग्रेट होकर त्रिपुरा आ गई थी। अब इसका विरोध हो रहा है, लगभग 35,000 लोग मिजोरम से विस्थापित होकर त्रिपुरा आए थे। फोर्थ न्यूज़ है, असम में एक डिजीज फैला है जिसका नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर और यह 2 तरह का होता है, क्लासिकल स्वाइन फीवर और अफ्रीकन स्वाइन फीवर। जो क्लासिकल स्वाइन फीवर है इसकी वैक्सीन प्रेजेंट है लेकिन अफ्रीकन स्वाइन फीवर की वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म ने एक 1 डायमेंशनल सिमुलेशन कोड डेवलप किया है जो कि अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर को स्टडी करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने इकोसेंस नाम की एक पोर्टेबल डिवाइस डेवलप की है जो कि COVID-19 एंटीजन को डायग्नोस्टिक टूल की तरह काम करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, हर साल 4th मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है और 5th मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है और इस बार इसका थीम था एनफ अस्थमा डेथ। नेक्स्ट एक 5th मई को एक और डे मनाया जाता है और ये है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स और इसका थीम था मिडवाइफ्स विद वुमेन सेलिब्रेट डिमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनाइट आवर टाइम इज नाउ। नेक्स्ट न्यूज है, गरुड़ा एरोस्पेस ने एक कोरोना किलर 100 नाम का ड्रोन डेवलप किया है जो कि पब्लिक प्लेस, हॉस्पिटल और टाल बिल्डिंग को सैनिटाइज करेगा। 9th न्यूज है, बम्बू कॉन्क्लेव हुआ है अभी और यह वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था और इसमें पार्टिसिपेट किया था जितेंद्र सिंह ने और ये इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उधमपुर और यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट और नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर के बीच हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ है, झारखंड में 3 योजना एक साथ लॉन्च किया गया है। पहला है बिरसा हरित ग्राम योजना जो कि एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देगा। सेकेंड है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना जो कि ग्राउंड वाटर को स्टोर करके उसको एग्रीकल्चरल यूज किया जाएगा। और थर्ड है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास स्कीम, इस योजना के तहत 5,000 स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाए जाएंगे। 11th न्यूज़ है, जापान में एक शहर है फुकुओका और यहाँ पे होने वाला था स्विमिंग चैम्पियनशिप जिसका नाम था एक्वेटिक वर्ल्ड चैम्पियनशिप। इसको पोस्टपोन किया गया है और यह 2021 में होने वाला था, अब यह 2022 में होगा। HDFC बैंक ने एक सॉन्ग रिलीज किया है जिसका टाइटल है हम हार नहीं मानेंगे और इसको लिखा है प्रसून जोशी ने और इसको कंपोज किया है AR रहमान ने। नेक्स्ट न्यूज है, पुलित्जर प्राइज 2020 ये घोषणा हो गया है और 3 पत्रकारों को
धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर वैली में फोटोग्राफी के फील्ड में इनको दिया गया है। और इन तीनों का नाम है डार यासिन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। इनको फोटोग्राफी के सेक्टर में पुलित्जर प्राइज मिला है और पुलित्जर प्राइज पहली बार दिया गया था 1917 में। नेक्स्ट न्यूज़ है, आंध्र प्रदेश ने एक योजना लॉन्च किया है, YSR मत्स्यकरा भरोसा स्कीम। इस योजना के तहत 10,000 रुपये दिए जाएंगे फिशरमैन को, यानी 10,000 रुपये मछुआरों को दिए जाएंगे। 15 न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है IBRD, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। US की तरफ से IBRD में अशोक माइकल पिंटो को अपॉइंट किया गया है, जो कि एक इंडियन अमेरिकन है। 16 न्यूज़ है, रसिया एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा जिसका नाम है आर्टिका M, और यह आर्टिक क्लाइमेट और इन्वायरमेंट को मॉनिटर करेगा। 17 न्यूज़ है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक कोविड कथा लॉन्च किया है, जो कि एक मल्टीमीडिया गाइड है और यह COVID-19 के बारे में अवेयरनेस पढ़ाएगा। 18 न्यूज़ है, ईरान अपनी करेंसी बदलने वाली है। ईरान का जो नया करेंसी होगा उसका नाम होगा तोमान, और एक तोमान बराबर होगा 10,000 रियाल, जो रियाल है ईरान की प्रेजेंट टाइम में करेंसी है। एक बुक जारी हुआ है जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, और इसको लिखा है गिरीश कुबेर ने। 20 न्यूज है, इंडिया में एक गेम होने वाला था वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, अब इसका वेन्यू बदल दिया गया है और यह अब सर्बिया में होगा। थैंक यू।